हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइज, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे रेस्टोरेंट पे जहाँ पे आपको दाल बाटी चूरमा आपको देखने को भी मिलेगी और देखने को मिलेगी। गाइज, यहाँ पे अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ वो हूँ मानसरोवर के अंदर। और भाई, यहाँ पे दाल बाटी चूरमा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लोगों को यहाँ का दाल बाटी चूरमा बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलो आज अपन देखते हैं यहाँ पे कैसा दाल बाटी चूरमा का स्वाद होने वाला है, क्या उसकी रेट होने वाली है, क्या लोकेशन होने वाली है, और उसके अलावा कैसा यहाँ पे बनाने का प्रोसेस होने वाला है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। भाई, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊँ, एंट्री गेट यहाँ पे दाल बाटी चूरमा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और भाई, सामने की साइड है, अंदर की साइड अपन चलते हैं यहाँ से और देखते हैं कैसा क्या यहाँ पे रहता है। एक साइड अपन चलते हैं और उसके बाद में भाई यहाँ का जो सिटिंग अरेंजमेंट पे वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। अंदर की साइड देखते हैं कैसा प्रोसेस है, कैसे दाल बाटी चूरमा यहाँ पे बनाई जाती है। सर, आप सबसे पहले तो आप अपने रेस्टोरेंट के प्रॉपर लोकेशन जरूर बताओ अपने ऑडियंस को, उसके बाद में आपका नाम और अपन क्या क्या चीजें यहाँ पे बनाने देते हैं। हमारे दाल बाटी चूरमा मानसरोवर में है। अच्छा, मानसरोवर में कौन सी जगह है सर? दाल बाटी चूरमा मानसरोवर, ये अपने जस्ट मंदिर है। हाँ हाँ, मंदिर के जस्ट बैक साइड में, मतलब बीटू बाईपास से आगे आते, बीटू बाईपास पे। और ये आपका एसएफएस जो सर्कल है ना, हाँ हाँ हाँ, यहीं पे। तो चलो गाइस, यहाँ पे आज यहाँ का टेस्ट करते हैं। भाई, खाने का स्वाद मैं आपको बताऊंगा, क्या प्रोसेस होती है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और कैसे बनती है वो सारी चीजें भी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सो गाइस, भाई यहाँ पे वैसे टाइम से थोड़ा सा मैं डिले होने की वजह से, भाई साहब यहाँ पे आप अभी हमारे लिए जो बाटिया बन रही ना, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बाटिया होती है। भाई, सारी की सारी बाटिया, ये मतलब गेहूं, कौन से गेहूं की बाटिया होती है? अच्छा, बड़ी आटे की होती है ना, ये गांव से मंगाते होंगे आटा, तो आटा गांव से है ना, गांव से आता है। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा इस जगरे के अंदर ये बनता है। भाई तो भाई अभी जैसे कि बाटिया तो और भी बना के रखी होगी, बना के रख रखी है पहले सर, वो ऑर्डर आया था ना, इसलिए अच्छा, भी अच्छा। बना रहे। और क्या बात है, बहुत बढ़िया, सब जगरे पे मिलता है सर। अच्छा, ये सारे के सारे जगरे, ये गाय का, गाय के कंडे होते, गाय के गोबर से होते हैं सर ये। अच्छा, चूरमा भी जगरे में बनता है। चूरमा भी जगरे में, चूरमा जगरे में होता है। क्या बात है, सादा गेहूं का चूरमा, मतलब चूरमा किस किस टाइप का यहाँ पे मिलता है? बेसन का भी चूरमा, बेसन का चूरमा ही मिलता है सर यहाँ पे। अच्छा, अरे गेहूं का चूरमा मिलता है, गेहूं का चूरमा अवेलेबल है। बेजड की रोटी और आलू प्याज पनीर सब्जी। अच्छा, बेजड की रोटी भी होती है? रोटी आलू प्याज पनीर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोटी केरी सांगरी की सब्जी, सरसों की साग। क्या बात है भाई साहब, आप देख रहे हो राजस्थान हरियाणा पंजाब से अगर आप हो ना भाई, सरसों की साग तो आपको यही मिलेगी। और मैं आपको बताऊंगा भाई, जो प्रोसेस है ना इनका, बहुत ज्यादा यूनिक है। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि मेरे घर पे बाटिया बन रही है। भाई आप खुद देख सकते हो कि यार पूरा का पूरा जगरे के अंदर आग जलाकर यहाँ पे पूरी बाटियां यहाँ पे अभी रखी जा रही है, और सारी की सारी बाटियां इस तरीके से ये सिक रही है। उसके बाद में भाई सब्जी बनाने का ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि इन्होंने पहले से ही बना रखा है, दाल कड़ी सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और पूरी की पूरी पहले ही बना के रख रखी है स्टॉक में। और यहाँ पे ये कुछ नई क्लाइंट्स का ऑर्डर आया है, इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यू बना रहे हैं। तो और क्या क्या बनती है भाई यहाँ पे? सर यहाँ पे मक्की बाजरे की रोटी बनती है, मिट्टी के चूल्हे पे। अच्छा, बनती है। अच्छा, ये मिट्टी के चूल्हे पे, मिट्टी के चूल्हे से बनती है सर। क्या बात है, क्या बात है। केलड़ी में सेकते हैं अपन, वो आती है ना कलेड़ी, केलड़ी आती है ना, वो गोल गोल, हाँ हाँ, मतलब वो मिट्टी की बनी होती है, बनी होती है सर। क्या बात है भाई, सब अवेलेबल है यहाँ पे सर, है ना, सारी की सारी चीजें आपको। बाजरे की रोटी भी इसी पे सेकते हैं सर्दी में, बहुत बढ़िया, बहुत। आलू प्याज पनीर भी इसमें बनाते हैं, बना के रखते हैं, जैसे की थोड़ी सी डिश में बना के रख देते हैं, हाँ। फिर गेस्ट आते हैं उसको खिला देते हैं। क्या बात है यार, मतलब पूरी की पूरी ताजा है। घी डालते हैं बाजरे की रोटी में, तो अब ये चीज मुझे बताओ, घी का क्या सीन है? घी मतलब क्या, देसी घी यूज करते हैं अपने सरस का, जयपुर डेयरी का, है ना, जयपुर डेयरी का। चलो भाई, यहाँ से अभी ये बनते हुए बन रहा है, और जब तक इसको रेडी हो जाए तब तक कुछ और भी चीजें एक्सप्लोर कर लेता हूँ। अब गाइस, यहाँ पे मैं जो यहाँ के जो रेस्टोरेंट की किचन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हाँ जी, तो दाल बना रहे हो? दाल बना रहे। क्या बात है भाई, यहाँ पे दाल कुछ इस तरीके से बन रही है भाई, देख लो यार, बहुत बढ़िया।
जो थाली है ना भाई, थाली इतनी बड़ी है यहाँ पे, इसको 3 से 4 बंदे आराम से खा सकते हैं। जिसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है वो बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पूरा का पूरा एक देसी फूड है, और देसी फूड की अगर मैं बात करता हूँ तो दाल बाटी चूरमा भाई, ये राजस्थान का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट, लोगों का फेवरेट होता है। और ये खाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, यहाँ पे देखने को मैं इतना बढ़िया लग रहा है, तो भाई खाने के बाद में कैसा ये लगने वाला है जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये है भाई चूरमा, जो चूरमा भाई ये आटे से बना हुआ चूरमा है। उसके अलावा ये हो गया बेसन चूरमा, ये बेसन का चूरमा हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेसन गट्टे की सब्जी हो गई। बेसन गट्टे के अलावा यहाँ पे आपको कढ़ी मिल जाएगी, और कढ़ी के अलावा भाई यहाँ पे आपको पूरी दाल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा भाई यहाँ पे बाटी भी आपको 2 टाइप की बाटी देखने को मिलेगी। ये हो गई भाई मसाले बाटी, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट यहाँ पे है, और उसके ये मसाला बाटी है। अभी इसको फोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। देखते हैं भाई, इसको मैं फोड़ता हूँ, इसको मैं फोड़ता हूँ। फोड़ने के बाद में भाई यहाँ पे देखो ये बाटी किस तरीके की है भाई। इसके अंदर भाई आलू मेरे को देखने को मिल रहे हैं, मसाला मेरे को देखने को मिल रहा है, प्याज मेरे को देखने को, ऐसी बाटी भाई मैं बहुत कम यार, मेरे को तो मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ भाई ये मसाला बाटी, जिसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा भाई यहाँ पे आपको जो घर वाली बाटी होती है ना, जो अपने घर पे बनती है, वो बाटी भी ये है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और भाई इसका टेस्ट कैसे होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊँगा। चूरमा आप देख सकते हो भाई, चूरमा यहाँ पे जो अपने गांव में भाई पूरा का पूरा जगरे के ऊपर बनता है ना, उस टाइप का ये चूरमा है। और ये बेसन चूरमा, यार बेसन चूरमा भाई मैं पहली बार बेसन चूरमा खाऊंगा। गुलाब चूरमा मैंने खाया है, उसके अलावा और चूरमा खाया भाई, बेसन चूरमा इसका भी टेस्ट अभी अपन टेस्ट करके आपको बताते हैं। और ये हो गई बेसन गट्टे की सब्जी, जिसके अंदर आप देखो भाई यहाँ पे पूरी की पूरी ग्रेवी बहुत प्यारी है, रंगत देखो भाई सब्जी की। उसके अलावा भाई यहाँ पे ये हो गई कढ़ी, वाह क्या बात है भाई, ऐसी कढ़ी आपको भाई घर पे खाने को भी नहीं मिलती होगी राजस्थान में, इतनी खतरनाक। ये रेस्टोरेंट भाई, रेस्टोरेंट का जो खाना है ना यार, देखकर मैं खुद भाई इसका फैन हो गया भाई। उसके अलावा दाल देखो भाई, दाल की रंगत देखो, और दाल के ऊपर भाई देखो कितना बढ़िया दाल है यार, बहुत ज़्यादा बढ़िया। बाटी की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, मैंने आपको जैसे बताया था ये मसाला बाटी है, मसाला बाटी के अंदर देख सकते हो आप यहाँ पे हर एक चीज़, जिसके अंदर आपको यहाँ पे भाई आलू के अलावा प्याज और मसाला, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस बाटी के अंदर देखने को मिलेगी। उसके अलावा घर वाली जो बाटी होती है, ये बाटी होती है अपने घर की आटे वाली बाटी, क्या बात है भाई। ये है यहाँ पे आपको मिर्ची टरपोले, और ये हो गई चटनी, उसके अलावा ये है पापड़। तो भाई अब देर किस बात की भाई, रुकना नहीं आ रहा, फाइनली इसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करके मैं आपको बताने वाला हूँ कैसा क्या स्वाद है। तो सबसे पहले तो मैं भाई गेहूं की जो बाटी होती है ना उसको टेस्ट करके देखता हूँ, वो देखता हूँ मैं भाई दाल के साथ में, देखते हैं कैसा क्या स्वाद है। भाई शब्द नहीं है भाई, सही बता रहा हूँ, मजा आ गया भाई। दाल के साथ में जो बाटे का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना भाई, मजा आ गया भाई। यही बाटी अब में है ना, थोड़ा ये सब्जी गट्टे की सब्जी के साथ में, ये मसाला बाटी है, मसाला बाटी को थोड़ा गट्टे की सब्जी के साथ में टेस्ट करता हूँ। क्या बात है भाई, ये बाटी है ना उस टाइप लग रही है जैसे कि वो शादी में क्या बोलते हैं भाई, कोफ्ते, हां कोफ्ते भाई, ये बाटी है ना अपन शादी में जैसे कोफ्ते खाते हैं ना, उस टाइप का स्वाद आ रहा है इसके अंदर। और जो शादी के अंदर जितनी भी शादियों में मैं गया हूँ ना, सबसे ज्यादा मैं कोफ्ते खाता था भाई, यहाँ पे भी भाई इतना बढ़िया लग रहा है यार। थोड़ा कड्डी के साथ टेस्ट कर लेते हैं, सबसे बढ़िया मेरे को कढ़ी लगी है ना, सही में कढ़ी बहुत प्यारी लगी। थोड़ा चूरमा भी टेस्ट कर लेते हैं भाई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया यार। आप सभी को एक ही बात बोलूंगा,
ये स्वाद तो भाई एक्सप्रेशन देखकर आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन अगर फाइनली आपको ये स्वाद टेस्ट करना है ना भाई, आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इस स्वाद को मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता भाई। क्या स्वाद है भाई, मौज आ गई यार लिटरली। 5 में से अगर 6 स्टार भी होता ना, इस खाने को मैं 6 स्टार भी देता भाई। भाई ट्रपोले भी चेक कर लेते हैं यहाँ के ट्रपोले कैसे, क्योंकि ट्रपोले राजस्थान के बहुत ज़्यादा फेमस है। ये हो गई मिर्ची के ट्रपोले और ये हो गई चटनी। चटनी और ट्रपोले का कॉम्बिनेशन अपन एक साथ बनाते हैं। एक चीज है ना जिसका स्वाद है ना, यहाँ से बढ़ के यहाँ 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 कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है भाई। अब रुकना नहीं आ रहा, कंटिन्यू में खाते जाऊंगा। और मेरे दोस्त लोग बैठे हैं भाई, मजा आ गया भाई, यार मजा आ गया। बस आप सभी को एक ही बात बोलूंगा, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा खाना है। आप एक बार यहाँ पे आना है ना, लिंक में एड्रेस का जो लिंक है ना मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा, कॉल करके यहाँ पे आना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। चलो कुछ मेरे दोस्तों को भी टेस्ट करवाता हूँ, उसके बाद में भाई इसको खाना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं भाई, मेरे हिसाब से तो भाई मैं बोल रहा हूँ 5 में से 6 स्टार होता था ना, 6 स्टार भी देता भाई मैं इसको। खाना बहुत ही प्यारा है। अभी यहाँ पे और भी भाई यहाँ पे खाना खा रहे हैं, उनका रिव्यू भी मैं आपको दिलाऊंगा, फीडबैक कैसा रहता है वो भी मैं आपको पहले आपको दिला ही देता हूँ। भाई साहब तो भाई इतना टेस्टी था कि थालियाँ खाली कर दी भाई साहब। भैया क्या नाम है वैसे आपका? आशुतोष पांडे। आशुतोष पांडे जी, कैसा खाना है यहाँ पे? अच्छा है, घर वाला स्वाद है। बिल्कुल। क्या रेटिंग देना चाहोगे 5 में से? 5 है ना। वाह, सबसे बढ़िया क्या लगा? प्लेन वाली बाटी और प्लेन दाल है ना, बेस्ट वही है। चूरमा कैसा लगा? भी अच्छा है, लेकिन कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिवली दाल और बाटी ही बेस्ट। बहुत सही भाई, आप क्या बोलना चाहोगे? दाल और बाटी तो बेस्ट है सही, लेकिन चूरमा मम्मी के हाथों का स्वाद आ रहा है आपको, एकदम देसी टाइप में है ना, बहुत बढ़िया करके भाई बताना है। दाल में थोड़ा सा बढ़िया अच्छे से मिला के फिर का बोलूं, सब्जी को एकदम से ले और फिर बता मेरे को कैसा क्या टेस्ट है। बढ़िया इसमें चूर के भाई मजा तब भी आता है, देसी जो खाना है ना, खाने का स्टाइल वो होता है भाई। क्या बात, बोलो तो सही कुछ। देखो भाई यही बोलना चाहूँगा मैं तो, कि अगर दाल बाटी खाना है ना तो रियली में मानसरोवर जो भी ये एड्रेस है भाई बायो में लिंक दे देगा, यहीं पे आना। मैंने तो मैंने जो कुछ चीज़ें यहाँ पे जो मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैंने जैसे ये चूरमा है, ये बेसन का चूरमा है, ये बाटी है मसाले बाटी, और जैसे कुछ चीज़ें मैं पहली बार खा रहा हूँ, बहुत टेस्टी चीज़ है यार, बहुत टेस्टी खाना आपको खाने को मिलेगा बहुत। तो मैं बोलना चाहूँगा सभी दर्शकों को, सभी भाई लोगों को, एक बार आओ और भाई को सेवा का मौका जरूर। इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद में भाई आपको चीज़ें और भी बताने वाला हूँ, तब तक बने रहना वीडियो में एंड तक, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ही लेना भाई। आप सभी के लिए इतना बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट लेके आ रहा हूँ, इतना बढ़िया बढ़िया खाना आप सभी के लेके आ रहा हूँ भाई, खाकर मुँह में पानी आ जाएगा भाई। ऑडियंस को मैं बोलना चाहूँगा कि जो एक बार यहाँ का आके टेस्ट कर लो, अगर सर्विस और खाने की जो क्वालिटी अगर एक नंबर नहीं मिले तो हम 1 रुपये मिलेंगे आपसे, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप एक बार ये बोल दो कि हाँ मेरे को ये चीज़ अच्छी मिलेगी, मतलब बिल्कुल जो घी की क्वालिटी लो आप, और जो मतलब जो बाटी का जो बनाने का जो स्टाइल है, बिल्कुल पूरा अपन प्योर जगरे पे अपन कर रहे हैं, एक बार मौका को भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता देना कि ये ब्लॉग कैसा रहा, और भाई मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। ओके बाय।